सुरेश रैना अचानक से पर्सनल रीजंस की वजह से आईपीएल को छोड़कर वापस भारत लौट आए हैं। रैना ने भारत लौटकर एक ट्वीट किया जिसमें उनके रिश्तेदारों के साथ हुए हादसों का जिक्र किया, लेकिन रैना ने अपने ट्वीट में ये नहीं बताया कि आईपीएल से बाहर होने की असली वजह क्या थी। लेकिन अब उन्होंने आईपीएल से बाहर होने को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि वो फिर से यूएई जाकर आईपीएल खेल सकते हैं। क्रिकबज को दिए अपने इंटरव्यू में रैना ने इस बात का खुलासा किया है। उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि सीएसके और उनके बीच किसी भी तरीके की कोई बात नहीं हुई है। रैना ने कहा है कि भारत वापस आना उनका अपना फैसला रहा है। उन्होंने आगे कहा कि भारत आने का फैसला करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल था। सीएसके मेरे लिए एक फैमिली की तरह है और माही भाई मेरे लिए सब कुछ हैं। मेरे और सीएसके के बीच कुछ भी इश्यू नहीं है। रैना ने आगे इंटरव्यू में ये भी कहा कि कोई भी 12.5 करोड़ रुपये ऐसे ही नहीं छोड़ सकता है, इसके पीछे कोई ठोस कारण ही रहा होगा। मैं भले ही इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुका हूं, लेकिन मैं अभी यंग हूं और 4 से 5 साल तक आईपीएल खेल सकता हूं। सुरेश रैना ने कहा कि क्वारंटीन के समय में भी मैं लगातार ट्रेनिंग कर रहा था। आप नहीं जानते कि आप मुझे फिर से सीएसके के कैंप में देख सकते हैं। वहीं दूसरी ओर सीएसके के मालिक श्रीनिवासन को लेकर रैना ने कहा कि वो मेरे पिता की तरह हैं, वो हमेशा मुझे बेटे की तरह ही देखते हैं। उन्हें मेरे आईपीएल छोड़ने की असली वजह पता नहीं थी। एक बाप अपने बच्चे को डांट सकता है और उनको अब मेरे बाहर होने के बारे में पता लग चुका है और वो मेरे फैसले के साथ है। श्रीनिवासन हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर रैना के इस इंटरव्यू के बाद उम्मीद तो यही है कि जल्दी ही रैना यूएई लौटेंगे और सीएसके की टीम के साथ जुड़ेंगे। हालांकि अब रैना जब भी यूएई की जाएंगे तो उन्हें 7 दिन के लिए फिर से क्वारंटीन होना पड़ेगा। ऐसे में देखना दिलचस्प है कि रैना सच में वापस सीएसके से जुड़ते हैं या फिर आगे कोई और ट्विस्ट देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हम जल्दी ही मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।